वैसे यार गाइस मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि जैसे ये साइकिल है यार, ये तो मैन पावर है, और ये मैन पावर को तो यार प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को। मतलब यार ये पोल्यूशन भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती है, पता नहीं क्यों नहीं प्रमोट करते हैं लोग ये लोग। अगर मैं कुछ होता ना यहाँ का प्रेसिडेंट तो ज़रूर प्रमोट करता। गाइस अगर आप वैसे बताओ कि यार आप मेरी बातों से कितना एग्री करते हो, अगर एग्री करते हो तो गाइस कमेंट जल्दी कर दो येस, और अगर नहीं करते तो नो। वैसे यार जल्दी कर दो कमेंट यार। तो यार वैसे मैं इनका रिव्यू लेकर देखता हूँ। अरे भाई साहब, अरे मैं मैडम मुंह दिखाई नहीं देता चिरकुट। अरे हाँ मैडम, मैडम मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने इतनी महंगी फरारी है ना ये। अरे हाँ फरारी है विद गोल्ड एडिशन। गोल्ड एडिशन की तो सीट लग रही है सर। अरे तो बोलना। अरे मैडम तो मतलब जैसे पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है तो आपको गाड़ी की माइलेज भी कम देती होगी, ऊपर से प्रदूषण भी करती है गाड़ी। अरे तो तेरा बाप का क्या जा रहा है। अरे मैडम भड़को मत ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार आपको लगता नहीं कि हमें साइकिल चलानी चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए साइकिल वाइकल, क्योंकि ये ह्यूमन पावर है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता। अरे अच्छा, अभी मेरे को अपने पति के पास जाना है, मैं अपने पति के पास नहीं गई ना तो लात मारे ना वो अगर 5 मिनट के अंदर, तेरी साइकिल पहुंचा देगी 5 मिनट के अंदर। अच्छा मैडम कितनी दूर जाना है। अरे 500 किलोमीटर दूर पहुंचा देगी तेरी 500 किलोमीटर दूर। अरे तो मैडम फरारी भी नहीं पहुंचा पाएगी। अरे तो कम से कम इतना तो है कि तेरी साइकिल तो 2 दिन में पहुंचाएगी, कम से कम मेरी फरारी 2 घंटे तो लेगी। अरे हाँ यार ये भी बात सही है। अरे तो निकलना यहाँ से, तेरा बाप ने रोड खड़ी रखी है। अरे यार बेइज्जती हो गई यार। गाइस यार देखा ना मेरा रिव्यू तो खराब ही हो गया यार, मैं सोच रहा था। लेकिन यार गाइस आप प्रमोट करना इसको, क्या मतलब है आप भी मेरे को गाली दे रहे हो ऐसे ही। अरे अच्छा ठीक है यार कोई बात नहीं, दे दो गाली, क्या कर सकते हैं सह लेंगे। वैसे यार गाइस मैं तो इसको ही प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर देखो ज़्यादा स्पीड मांगते नहीं है, हर जगह लिखा है 25 की स्पीड लिमिट है, फिर भी देखो गाइस ये 100 की स्पीड में तो चली रही है साइकिल, और मेरे को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। क्या मतलब है कि मैं भी आपके यहाँ आकर के चला दिया करूँ। अरे गाइस आप खुद चलाया करो ना। तो गाइस चलो मैं पहुँचता हूँ। वैसे अरे 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 यहाँ पे भी देखो 25 की स्पीड लिमिट लिखी हुई है। वैसे मैं पता है गाइस मैं गया था शिंचन के 2 जोड़े मोजे लेने के लिए, कल पता है इतनी बुरी बात है कि भाई साहब उसके मोजे ही जल गए। भाई साहब इतना बुरा कौन फटता है गाइस, मैं तो यही सोच रहा था कि यार पता नहीं शिंचन भी ऐसी हरकत ही करता है। वैसे गाइस मैंने ना नई गाड़ी ली है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन यार अभी मैं जा करके ना मैं पार्किंग में दिखाई देता हूँ आपको गाइस। ये है गाइस मेरी नई कार, बाद में जब निकालेंगे ना तो तब मैं करता हूँ। यहाँ पे वैसे मैं अपनी साइकिल पार्क कर देता हूँ। वैसे साइकिल इधर पार्क करने की क्या जरूरत है, मेरे पे दूसरी गाड़ी भी तो है। वैसे ये गाड़ी तो यार मेरे को बेचने का मन करता है, लेकिन यार पहले की है ना, सबसे पहली ये गाड़ी यार है, ये बाइक भी मेरी पहली है, तो यार मेरे को बेचने का इतना मन करता भी नहीं है वैसे भी। तो गाइस चलो यार देखता हूँ ये शिंचर पिंचर कर क्या रहे हैं। भाई कर क्या रहे हैं, पागल है क्या। बाबा साहब शिंचर तू टिकरी पागल, निकल जाए यहाँ से। शिंचर भैया निकल जाओ निकल जाओ। पिंचर तुम मेरे साथ नहीं दे रहे हो। अबे यार ये लोग कर क्या रहे हैं। अबे ओ चिरकुटो कर क्यों रहे हो। फ्रैंकलिन भैया हम पे कंपटीशन लगा है कि कौन कितनी देर में पानी में रह सकता है। पर क्यों। अरे यार फ्रैंकलिन भैया पता है क्या है कि कल रात से ना चौ पर मेरे को ना सुसु नहीं आ रही है। तो अरे तो फ्रैंकलिन भैया वो आपका वो साइकोलॉजी नहीं होती है कि गाइस कि पानी में रहते तो सुसु आ जाती है। बाबा साहब कल हुए सही में भाई पानी में रहते हैं तो सुसु सी आ जाती है भाई, वो तो करने से होती है ना। ऐसे भी होती है लेकिन फ्रैंकलिन भैया हमें ऐसी आ जाएगी। गाइस आप भी बताओ ना पानी के पास आने पर आपको सुसु आती है ना, अगर आती है तो गाइस कमेंट में यस लिख दो, और हाँ गाइस और नहीं आती है तो नो लिख दो, लेकिन लिखो जरूर। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आप भी कॉम्पिटिशन में भाग लोगे। भाई 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 मेरे को नहीं आ रही है सुसु, मैं करके आया था फ्रेश हुआ था, तुम भी आ जाओ उतर के। अरे हाँ अरे हैं अरे हैं। हाँ तो फ्रैंकलिन भैया एक बात बताओ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया आपको कभी सड़न महसूस नहीं होती है इतने एक ही कपड़े पहन पहन करके। अबे यार मेरे को यार पागल है, मेरे को अच्छे लगते हैं ये कपड़े। वाह कल एक बात बता, इतनी सड़ी गर्मी में इतनी जैकेट पहन रखी है, तू कितना गंदा है। अबे हाँ यार आज पता मेरे को भी गर्मी महसूस हो रही है। उतार दे नहीं तो कोई सब्सक्राइब भी नहीं करेगा। अच्छा ऐसी बात है तो मैं उतारता हूँ गाइस, अभी मैं उतारता हूँ इसको जस्ट जा करके। अरे जल्दी उतारो जल्दी। अबे तो तुम क्यों आ रहे हो, मेरे को नंगा होते हुए देखोगे। अरे हाँ नंगा तो आपको हम वैसे भी कर ही देते हैं, बकवास हम करेगा नहीं करेगा। अरे हाँ ठीक है ना शांत हो जाओ। ओके सो गाइस यार गर्मी है तो यार यही ठीक है। टोपी क्यों पहन ली। भाई यार धूप से बचने के लिए। अरे तो धूप से बचने के लिए तो आगे से बचोगे ना, टोपी पीछे क्या बचाएगी, गुद्दी बचाएगी आपकी। भाई हाँ यार गुद्दी तो बचाएगी, आगे तो मेरे को चश्मा बचा लेगा। अरे यार ये यार पिंचन भैया ये क्या ऊंधी खोपड़ी बचपन से ही पैदा हुआ था। नहीं पिंचन मेरे को पता नहीं है। बाकलुआ भाई तुम मेरे से पूछो, ये बचपन से ही ऐसा पैदा हुआ था। अच्छा तूने बड़ा मेरा बचपन देख लिया। बाकलुआ मैं तेरा बचपन देख सकता हूँ, तू कूड़ेदान में पला बड़ा है तेरी ऐसी की तैसी। भाई साहब तू भी ना निकला हुआ था घर से, वो तो मैंने पाल पोस के बड़ा किया तेरे को। कल हुए ज्यादा बकवास नहीं कर रहा, करूंगा मैं तो, तू बकवास नहीं करता। वैसे गाइस यार आजकल ना ये शिंचन पिंचन बड़ी शिकायत कर रहे हैं आप लोगों से। क्या शिकायत कर रहे हैं।
भूल गया शिनचैन, ये नहीं कहना था। अरे हाँ गाइस गाइस गाइस, आप यार वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो यार। अरे हाँ गाइस यार, आप वीडियो को लाइक करते हो नहीं गाइस, यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस चलो हम चलते हैं शिनचैन, घूमने चले क्या? अरे क्या घूमने चलेंगे फ्रैंकलिन भैया, एक तो यार ये कबाड़ी जैसे घर को बंद करो। क्यों यार इस कबाड़ी जैसे बंद कर घर, यार पता नहीं फ्रैंकलिन भैया कोई नया घर लो ना यार, कुछ तो लो। अरे यार प्रशिक्षण यार, पैसे कहाँ से कमाए, पैसा ही तो नहीं है। पैसे की बात कर रही हो, एक चेक मार के मारू, एक चेक मुंह पे मारूंगा ना। तेरे पे कहाँ से पैसा आ गया? मेरे को आपको पता नहीं है, भूल गए? पर भाई साहब चौप, इस पे कहाँ से पैसा आ गया? फ्रैंकलिन भैया मेरे पे बहुत ज्यादा पैसा है, अभी मैं अपनी प्रॉपर्टी दिखाने पे आ गया ना, तो यार आपकी होश उड़ जाएंगे। ओ बेटी की जान, सही में भाई चौप इस पे पैसा आ गया इतना? वाह कलू है भाई, मेरे को भी नहीं पता यार, मैं छुपा रुस्तम हूँ, मैंने बिना बताए किया। ओ भाई साहब पिंचन, तेरे को तो पता होगा, तेरे तो जुड़वा भाई है ये। शिनचैन भैया ने मुझे कुछ नहीं बताया फ्रैंकलिन भैया। इट्टी की जान, ऐसी बात है यार। और नहीं तो क्या कलू है, ऐसी बात है भाई साहब, इसने बड़ा हमें नहीं बताया आज तक। मेरे को बताना ही नहीं था किसी को भी, लेकिन मैं सही बताऊं तो मैंने कमाई है। ओ बेटी की जान शिनचैन, तो दिखाना फिर। तो चलो फिर। हाँ यार गाइस चलो देखते हैं यार शिनचैन ने क्या क्या जमा करके रखा हुआ है। भाई साहब इसने तिजोरी में जमा कर रखा है, आज तो सारा ही हड़प लूंगा। फ्रैंकलिन भैया पहले क्या देखना चाहोगे, तेरे पे कोई गाड़ी या सुपर कार है? अरे हाँ बहुत ज्यादा सुपर कार मैंने इकट्ठा कर रखी है। बेटे की जान, बाकल ये तो छुपा रुस्तम निकला सही में। अबे हाँ भाई, ओए आ जाओ बे, तुम में से जोन जोन में बैठ सकता है मेरी गाड़ी में? मैं तो आगे बैठूंगा, आगे बैठूंगा। अच्छा आजा शिनचैन, तू ही आगे बैठ जा। पिंचन और चौप तुम ऊपर बैठ जाओ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ऊपर बैठ जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके तो गाइस हम बैठ करके चलते हैं। फ्रैंकलिन भैया एक बात बताओ, ये गाड़ी कब खरीदी? अबे खरीदी कहाँ से? चोरी करिए। अबे नहीं यार, अबे कल तू चोरी की गाड़ी में बिठाया कर, भाई साहब खुद तो पाप चढ़ाता, खुद बाबे भी पाप चढ़वाएगा। अबे नहीं यार ऐसी बात नहीं है। कल मैं कहाँ जा रहा है? तेरी मैया की बारात में जा रहा हूँ पागल इंसान। ऐसी क्या पंगा लेते हैं किसी से भी? मैं पंगा ले रहा हूँ बताइए, खामो खा से सामने से बोल रहा है। अरे हाँ शिनचैन भैया गाड़ी यार एक मेरे को भी दे देते। फ्रैंक शिनचैन भैया आपने किसी को बताया नहीं आपने इतनी बड़ी ट्रेजरी छुपा के रखी है। पिंचन भाई यार मैंने फ्यूचर के लिए छुपा के रखी थी यार, कभी यार हम कंगले हो गए तो यार हम पे तो इतनी होगी, लेकिन यार आज मैं सारी रिवील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेट में बात नहीं पच रही है। अबे हाँ यार तेरे पेट पे तो बात नहीं पच रही है। तो गाइस देखते हैं यार ये शिनचैन ने क्या इकट्ठा करके रखा हुआ है। वैसे तो यार शिनचैन जितना बोल रहा है ना, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, जा करके डाक पे तीन पात। अरे वो तो पता ही चली जाएगा। सो गाइस चलो हम ना पहुंच करके बात करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। हाँ गाइस वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइस चलो अब जल्दी से पहुंचते हैं। अबे शिनचैन भाई तू हाईवे पे ले आया कितनी दूर? अरे फ्रैंकलिन भैया यू टर्न लेना था। अच्छा यू टर्न, चल आगे से लेता हूँ। अब बकल हुए मेरे को तो लग रहा है ये पागल बना रहा है भाई, लग तो मुझे ऐसा ही कुछ रहा है। ठुक गई। अरे यार नहीं होगा यार, वो बुलेट प्रूफ कार है और ऊपर से भाई इतनी बिल्ड क्वालिटी इसकी कैडी है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया इधर ही। मैं कहाँ पर? अरे यार आप, मैं बताया तो फ्रैंकलिन भैया शांति से चलना है वहाँ पर यार। फ्रैंकलिन भैया किसी ने देख लिया ना इस गुफा में आते हुए। गुफा में भाई साहब? हाँ अंदर घुसेड़ लो। ओ बेटे की जान फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर ही है। ओ भाई साहब ये कहाँ पर लेके जा रहा भाई? भाई चौप डर नहीं लग रहा? बाकल हुआ कैसा डर, किस बात का डर? ओ चौप भाई साहब अब नहीं लगा? भाई साहब अब तो बहुत बुरा लग गया भाई, शिनचैन ने बताई क्या ये अलग जगह पे ले जा रहा है। अरे शिनचैन भैया और कहाँ? अरे पिंचन तुम चुप रहो, फिर पिंचन देखो यार सीधे लेके चलना। ओ भाई साहब शिनचैन में लेके चलू? ओ शिट बाकल हुआ ये क्या स्टंट कर रहा है? भाई साहब कल नहीं रहा था, हो गया तो कैसे बाकल हुआ? अच्छा फ्रैंकलिन भैया यही है मेरी गाड़ियाँ 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 शिनचैन। भाई साहब ये लोग तो फ्रैंकलिन भैया ये लोग मेरे क्लाइंट हैं। फ्रैंकलिन भैया जब तक ये मेरे को ना देखे तब तक मारेंगे आपको। अच्छा ये तेरे को मारेंगे? निकल ऐसी की तैसी, बेटा मेरी गाड़ी है, तू आकर के हमसे मारेगा भाई साहब, हमें मारेगा। सो फाइनली गाइस हमने इनको मार दिया। शिनचैन भाई तू ये चीज छुपा करके रखा हुआ था? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ये सारी मेरी गाड़ी है। भाई साहब पिंचन देख लिया ना तेरा भाई कितना बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अरे फ्रैंकलिन भैया। अरे क्या? अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे लग रहा है शिनचैन भैया ने और कुछ भी छुपा रखा होगा। अरे हाँ पिंचन तुमने सही पकड़ा। ओ भाई साहब शिनचैन जल्दी लेके चल। अरे हाँ। सो गाइस देख रहे हो ना यार आने वाले टाइम में लग रहा है शिनचैन धमाका करने वाला है यार, मैं तो यार इसको हल्के में ले रहा था। ओ हल्के में इसलिए कि तुमने गलती कर दी? हाँ यार मैंने तो गलती कर दी यार इसको हल्के में लेकर के। गाइस ये हल्के में, अबे आप जाए कैसे? अरे यार कैसे भी करके निकलो ना। मैं भाई साहब निकलते हैं यार इसमें से। ओ क्या हो? अरे यार वो मुंह से निकल रहा है। गाइस देख रहे हो ना मैं स्टंट टाइप कर पा रहा हूँ। कल हुआ आपकी बार खोपड़ी फूट गई ना मैं मार दूंगा। सॉरी भाई सॉरी। कल हुआ अब तू गया तू काम से। ओ ये किए कहाँ गए हम? फ्रैंकलिन भैया अंदर कहाँ चले गए, इधर नहीं आना था।
अरे अरे मिल गया रास्ता, मिल गया। ओके सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं। ए फ्रैंकलिन भैया चलो। अरे हाँ यार चल रहे हैं, देखते हैं भाई साहब इसने क्या ही छुपा के रखा है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, लेकिन उसके लिए बोट पकड़नी पड़ेगी। बोट क्यों? अरे यार फ्रैंकलिन भैया वो सी में है। ओ भाई साहब तूने कोई शिप विप तो नहीं खरीद रखी है? अरे देखते चलो धमाका होगा। ओ भाई साहब पिंचन तेरा भाई तो अलग ही धमाका कर रहा है। ये गाइस देख रहे हो ना कितना तगड़ा धमाका करेगा ये। अब आ कलवे भाई साहब तेरे से भी ज्यादा तेज निकला ये, तो बिल्कुल ही निकम्मा है। बकवास कम करेगा नहीं करेगा, देखते हैं यार। शिंचन ओ शिट बच गए। तो गाइस चलो हम चल के देखते हैं ये क्या ही कर रखा है इसने। अरे फ्रैंकलिन भैया अंदर चलो, इधर अंदर ले लें। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। ओके सो गाइस मैंने, अरे यार यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है। अरे यार ले लो कहीं से। हाँ ओके सो गाइस ये शिट। अरे यार लग गई। अबे यार ये गाड़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है ना, इसलिए मैं ठोके जा रहा हूँ। अरे तो इसका मतलब ये करोगी भाई? हाँ ना यार चल। ओके सो गाइस हमने इधर पहुँच चुके शिंचन अब। अरे यार वहाँ पे वो खड़ी है बोट। अबे यहाँ देखता हूँ मैं किसी से बुला करके, मैं देखता हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बोट बुलाओ और वहाँ से चलते हैं। अच्छा चल ठीक है देखते हैं। ओके सो गाइस चलो देखते हैं शिंचन ने क्या ही प्लान कर रखा है। अरे ओ हमें छोड़ दोगे? अबे नहीं पिंचन तेरे को नहीं छोड़ेंगे। अब कलुए लेके चलना। अबे हाँ भाई लेके चल रहे हैं, तेरे को लेके चल रहे हैं। पहले मैं यहाँ से किसी से बोट के बारे में बात कर लूँ। अरे भाई साहब यहाँ पे बोट नहीं आएगी क्या? अरे भाई मैं भी, अरे भाई देखो यहाँ पे बोट आने वाली है थोड़ी देर में, अभी वो किसी को घुमाने लगेगी। देखो वो जा रही ना बोट, वो ही आएगी। अच्छा चलो ठीक है। अरे यार मैं फोन करके बुला ही लेता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा बुलाओ जल्दी बुलाओ। अरे मैंने तुम्हारी बात कर ली है, तुम्हें आज कहाँ जाना ठीक है? अरे हाँ ठीक है, थैंक यू सर। अरे मोहतरमा कहाँ जा रही हो? तेरी नानी के घर जा रही हूँ, साढ़े भाग जा। तेरी ऐसी की तैसी, नानी तो मेरी मर गई है, तू भी मर जा। अरे पहुँचा दिया नानी के पास। तेरे को जाना था ना इसलिए ही तो पहुँचा दिया मैंने। क्यों मारा? ओके तो फाइनली गाइस हमारी बोट आ चुकी है। अरे फ्रैंकलिन भैया हमें चलाना पड़ेगा। अबे हाँ यार शिंचन आजा। अरे आ रहा हूँ। कहाँ बैठ गया? बाकलुए भाई साहब ये मेरी टट्टी चाटेगा फिर। अबे नहीं चाटेगा ना यार। अरे नहीं चाटेगा, चुप तुम भी क्या बकवास कर रहे हो। ओके सो गाइस ये लोग बैठ चुके हैं। अबे पिंचन तू कहाँ घुस के बैठ गया? अरे फ्रैंकलिन भैया मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है ना। ओके सो गाइस अबे इसको पानी में कौन धकेलेगा? बाकलुए तू ओंधी खोपड़ी का, तेरे को पानी में ले जानी चाहिए थी। ओके सो गाइस फाइनली ना लहरों के साथ साथ हम आ चुके हैं। फ्रैंकलिन भैया मैं बताऊंगा रास्ता, बता जल्दी। अरे फ्रैंकलिन भैया थोड़े से आगे है। तो तू मेरे को वैसे बताया तो तू हमें पानी में क्यों लेकर आया? अरे यार पानी में ले जाऊंगा तो मजा आएगा ना। ओ भाई साहब ऐसा क्या पत्थर आ गया? अरे मेरे मेंशन का पत्थर आ गया। मेंशन। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मेंशन इकट्ठा किया है मैंने। ओके सो गाइस ये शिंचन बड़ा छुपा रस्ता निकला, इसने पानी में मेंशन बना रखा। ओ फ्रैंकलिन भैया यही है। शिंचन सही बोल। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। ओके सो गाइस इसने शिंचन ने पानी में मेंशन बनाकर तगड़ा मेंशन बनाकर, पूछो मत यार भाई साहब क्या है ये। अरे फ्रैंकलिन भैया पागल हो गए हो? पागल नहीं हो गया हूँ भाई साहब, ऐसा मेंशन कौन बनाता है? अरे मैं बनाता हूँ फ्रैंकलिन भैया, मेरा है। अच्छा तेरा है। सो गाइस ये मैं मेंशन में पहुंच चुका हूँ। पाकलुए मेरे को भी तो ले जा। अबे आ रहा ना आ जा। पाकलुए यार लेके चलना। शिंचन कहाँ पे है? आ रहा हूँ मेरे को तो तैरना आता है। पर पिंचन मेरे को नहीं आता फ्रैंकलिन भैया। लाना पड़ेगा? अरे लाना पड़ेगा ना। अच्छा यार इसको लाना पड़ेगा। सो गाइस इसको मैं लेकर के आता हूँ। सो फाइनली गाइस ये लोग आ चुके हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया वह क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन भैया यही है मेंशन। गाइस देख रहे हो ना ये शिंचन ने क्या धमाका कर रखा है। अरे फ्रैंकलिन भैया ये अभी मेरा हेलीकॉप्टर भी है। हेलीकॉप्टर भी तेरा ही है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं पूरी लग्जरी लाइफ जीना चाहता हूँ। बेटे की जान गाइस ने तो भाई अलग ही हंगामा कर चुका है गाइस। फ्रैंकलिन भैया अब चले के नेक्स्ट भी है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया अभी तो ये ट्रेलर है, लेकिन शिंचन तेरे यहाँ कुछ बैठे हैं। अरे उड़ा दो उसको। अच्छा उड़ा दूं? अरे हाँ उड़ा दो। ओके तो गाइस ये लोग आराम फरमा रहे हैं, ये टांग उछाल रही है। ले तेरी टांग वे लग गई। एक ये गई। ओके अरे यार ये कहीं नहीं लगे। शिंचन आजा। आ रहे हैं। ओके तो गाइस देख रहे हो ना शिंचन ने ये वाला मेंशन ले रखा है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया अबे कब लिया तूने? अरे यार फ्रैंकलिन भैया बर्थडे दिन तो पोजीशन कितना टाइम हो गया पोजीशन को? अरे यार पोजीशन की बकवास कम करो यार फ्रैंकलिन भैया। अच्छा ठीक है। अब कलुआ ये कुत्ता ना मेरे को देख करके घूर रहा है। क्यों घूर रहा है ये भाई, क्यों घूर रहा है? अरे यार मैं तो ऐसे ही घूरता हूँ, मैं मुसाफिर हूँ कलुए। भाई साहब सारे कुत्ते कलुए ही बोलते हैं क्या? वाह कलुए कलुए को कलुए ही बोलेगा, हमारी जात ऐसी ही होती है। अच्छा ठीक है ना। सो गाइस अब यार गाड़ी तो हमने उधर छोड़ दी थी। अरे तो फ्रैंकलिन भैया ऐसे किसी की उठा लो। अरे हाँ यार मैं उठा लेता हूँ। एक सेकेंड जब हमारे पे मर्सिडीज मिल रही है तो हम और क्यों ले? अरे ओ लालची एक दो 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 करोड़ की गाड़ी पे हाथ मारोगे? अबे हाँ ना यार तुम आकर के बैठ जाओ। वाह कलुए मैं कहाँ बैठूंगा, मैं बैठ जाना पीछे, मैं ऊपर चढ़ूंगा ठीक है ना।
तो फाइनली गाइस ये लोग बैठ चुके हैं, अरे बैठ गए हैं। सो गाइस चलो हम लेकर के चलते हैं। वैसे यार मैंने ये गाड़ी भी ले ली है। अरे फ्रैंकली भैया इसको बेच दोगे कितने मिलेगा? भाई 2 करोड़ की, कम से कम 2 करोड़ की आती है, तो यार कम से कम 1.5 करोड़ तो मिल जाना चाहिए। और इसकी नई कंडीशन है, और भाई ये तो कुछ 12 किलोमीटर चली हुई है। अरे फ्रैंकली भैया शोरूम से आई थी यार उतने में ही। यार अच्छा यार सिंचन मैं कह रहा हूँ यार वापस लौटा देंगे यार, किसी की अच्छी नहीं लगती। वाह कल तेरा तो दिल उतना बढ़िया निकला भाई साहब, तू तो राम निकला। अरे राम नहीं है ये, रैबिट वाली हरकतें हैं इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब सिंचन बकवास क्यों कर रहा है यार? अरे सिंचन भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे यार पिंचन अभी देखना ये इसी गाड़ी को रख लेंगे। और अरे सिंचन तू मेरी पोल क्यों खोलता है हर जगह? अरे यार फैकली भैया मजा आता है। अच्छा यार ना ठीक है ना। सो गाइस चलो हम देखते हैं यार अभी सिंचन ने ऐसा क्या चीज़ लेकर के रखी हुई है। अरे फैकली भैया उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। मैं कहाँ चलना पड़ेगा? अरे फ्रैंकली भैया उसके लिए आपको चलना पड़ेगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे ऐसा क्या ले रखो? ओह शिट शिट सिंचन नहीं। अरे हाँ अरे सिंचन नहीं भाई साहब, नहीं सिंचन ऐसा नहीं हो सकता। वह कलुए बता तो सही तुम क्या अल्लोम बिलोम खेल रहे हो भाई साहब? नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ। अरे हाँ सिंचन भैया बताओ ना पिंचन और क्या है वहाँ पर जाकर देख लेना। अबे भाई साहब मैं समझ गया भाई साहब। अबे यार तुम फिर नहीं बता रहे हो, तुम जो हो ही तुम लोग हो ही बदतमीज। गाइस देख रहे हो ना यार सिंचन मतलब एयरपोर्ट पे जा रहा, मतलब उसने तो कुछ गलत ही इकट्ठा कर रखा है साहब। फ्रैंकलिन भैया बहुत मजेदार। तो गाइस चलो हम देखते हैं वहाँ पर इसने क्या ही इकट्ठा कर रखा है। वैसे यार गाइस यार सिंचन की ये ट्रेजरी और सिंचन का ये खजाना। तो गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। अरे हाँ गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओए बच गए बच गए बच गए। ओह नहीं 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 नहीं, इसे कुछ नहीं होता फ्रैंकलिन भैया। अच्छा चल सिंचन भाई तेरे पे और भी है ना? अरे यार होगी मैं क्यों बताऊं बेटे की जान, इसके मतलब और भी है। पिंचन देख रहा है ना तेरा भाई कितना छुपा रुस्तम है। अरे ओ वो छुपा रुस्तम है, तुम तो कुछ करते ही नहीं। अबे हाँ ना यार मैं भी यार छुपा रुस्तम ही हूँ। चल छोड़ यार वैसे यार चलते हैं। फ्रैंकलिन भैया। अबे हाँ फ्रैंकलिन भैया आने वाले टाइम में तो मैं सोने का हगूंगा सिंचन, ये पॉसिबल नहीं है। अरे यार पॉसिबल है फ्रैंकलिन भैया। क्यों कैसे? अरे यार फ्रैंकलिन भैया मैं आपको रखूंगा नौकर की जॉब में, और जो मैं बोलूंगा आपको वो मानना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि फ्रैंकलिन ये मेरी टट्टी खा और ये ना सोने की, ऐसा बोल तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो मैं आपको जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। बेटे की जान जॉब देख रहा है क्या, प्लानिंग करके चलता है। कलुए भाई साहब ये साथ दिमाग का है, तुम जैसोगे तो 1 मिनट में टट्टी निकाल देगा भाई साहब। यार सही में यार ये सिंचन कुछ ज़्यादा ही साथ दिमाग का है गाइस। और यार यहाँ पर प्लेन बहुत ज़्यादा उड़ते हैं गाइस, हम एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। ये पता नहीं क्या ही ले लेगा वहाँ पे। अरे बहुत कुछ ले लूँगा। अच्छा बहुत कुछ। वैसे यार सिंचन आजकल ना यार हमने हॉरर वीडियो शुरू नहीं करी है ना? अरे हाँ फेकर भैया हॉरर वीडियो शुरू नहीं की। अरे गाइस अगर आपको हॉरर वीडियो चाहिए तो यार कमेंट कर दो हॉरर। अरे हाँ गाइस अगर आपको हॉरर वीडियो चाहिए तो यार कमेंट जरूर कर दो हॉरर, तो गाइस मजा ही आ जाएगा ना। कलवे मजा ही आएगा। अबे चुप चुप बैठ जा। वैसे यार फ्रैंकलिन भैया हॉरर की कोई जरूरत नहीं है, आप ही इतने हॉरर हॉरी बल्लो। बकवास कम करेगा ना करेगा? अरे नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। अच्छा ठीक है ना। सो गाइस चलो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और देखते हैं इसने क्या ही तैयार कर रखा है। अरे ओ भाई साहब ये बंद क्यों कर रखा है? फ्रैंकलिन भैया उनने लिखा है सुअर आर नॉट अलाउड। भाई सिंचन ये मजेदार था। बकवास कम कर, अब कैसे अलाउ कर दिया? अरे यार वो तो मेरी शक्ल देख ली, क्योंकि ये मेरा एयरपोर्ट है। तेरा एयरपोर्ट है, बकवास कम कर, लॉस सैंटोस का ये। गाइस देखता हूँ वैसे इसने क्या ही इकट्ठा कर रखा है इधर। वैसे सिंचन इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ है भी यार हवाबाजी कर रहा है। ओ हवाबाजी खुद करते होगे। अच्छा बेटा इतनी बदतमीजी बोल रहा है। बाकल हुआ 1300 तो कोई भी बदतमीजी बोल ले। फ्रैंकलिन भैया पता है मैंने ना फ्लाइंग एरोप्लेन खरीदा है। फ्लाइंग एरोप्लेन फ्लाइंग ही तो होते हैं। अरे वो खड़े भी नहीं होता फ्रैंकलिन भैया, वो कभी जमीन पे नहीं आता। ऐसा तो कोई प्लेन नहीं बना। अबे यार ऊपर सामने देखो। यार ऐसा तो कोई प्लेन नहीं बना सिंचन, तू भी कुछ बोलता है। अरे मजाक कर रहा था, क्योंकि मेरे को लगा कि यार आपकी मेंटेलिटी देखता हूँ, आपको तो कोई भी पागल बना सकता है। सिंचन ये यहाँ पे कोई अमीर इंसान है क्या? अरे ओ ये सारी चीजें मेरी हैं। हा तू बोल लेगा तो मैं मान लूंगा, मजा आ जाएगा ना। ये सारी गैंगस्टर वाली कार तेरी है, मैंने मान ली। और ये कार तो उल्टी भी हो रखी है। अरे वाह मैंने मान ली। मैं ठोको फ्रैंकलिन भैया, मैं आपको ठोक दूंगा। अच्छा और ये गोल्ड प्लेन भी तेरा ही है, मजा आ जाएगा ना, है ना? अरे ये गोल्ड प्लेन तेरा ही है फ्रैंकलिन। इस पे तो सिंचन तेरे पे तो कोई प्रूफ भी नहीं है, और वो ये लैमोजिन भी तेरी हो गई दोनों। बाकल हुए उसको अंडर एस्टिमेट कर, उसकी भी हो सकती है। फ्रैंकलिन भैया एक बात बताऊं। मैं क्या बताएगा? अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये सारे के सारे प्लेन मेरे हैं, पिंचन की कसम। नहीं अरे हाँ सिंचन भैया तुमने तो मजाक खड़ा कर दिया भाई साहब। सिंचन तूने ये सब चीजें जमा करके रखी हुई है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया।
गाइस देख रहे हो ना शिनचैन ने क्या क्या जमा करके रखा हुआ है। गाइस यार यही थी हमारी आज की वीडियो। यार शिनचैन ने तो अलग ही मजा कर दिया। वाह कलू है भाई साहब तू कुछ सीख इससे। मैं क्या ही सीखूं। ओके तो गाइस यार देखो यार क्या शिनचैन ने जमा करके रखा हुआ है, इतने सारे प्लेन गोल्ड प्लेन और इतनी सारी गैंगस्टर की गाड़ी और लेमोसिन। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हाँ गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अरे हाँ गाइज और मेरे खजाने को भी लाइक करना। और हाँ गाइज और चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। हाँ गाइज और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। सो गाइज चलो हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।